नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सुईथा कला ब्लॉक के पिलकिछा गांव में 25 लोगों की मौत से जहां लोगों में भय व्याप्त है और गांव में लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आशा कार्यकर्ता का बेतुका बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस आशा कार्यकर्ता का कहना है कि कोविड का टीका लगने के बाद भी लोगों की मौत हो रही है, असली टीका तो चीन और पाकिस्तान गया और नकली टीका भारत में है। आशा कार्यकर्ता का यह बेतुका बयान लोगों में जहां भय पैदा कर रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी उजागर हो रही है कि आखिर आशा कार्यकर्ता इस तरह का बयान कैसे दे सकती है। आप आशा कार्यकर्ती हैं, कोरोना विकार रूप लिया है, तमाम गांव में आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई है जी, क्या मानती हैं कोरोना के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले से सब लोग की किसी की टीवी आती है, किसी की शुगर होता है, किसी के सांस फूलता है, इन्हीं के अनेक प्रकार सर्दी जुकाम आम बात है, ये तो जनता भी जान रहा है। तो वही कोरोना कर दिए हैं तो कोरोना देखिए कि हम लोग नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? यहाँ देखिए तो स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल भी बंद है, टीका लगने के बावजूद भी सबको कोरोना हो रहा है। टीका भी लग रहा है, इसके लिए भी तो दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? जनता भी मर रहे हैं, कहे कोरोना है, कोरोना है, जितने लोग लगाए कि देखिए हम लोग भी लगवाए हैं, क्या हम लोग को सर्दी जुकाम पता नहीं क्या जो यहाँ के जो वैक्सीन जो है चीन में पाकिस्तान में चला गया और यहाँ जो कि आया है डुप्लीकेट, जनता लगा करके जनता मर रहे हैं, हम लोग भी नहीं मानते हैं। डुप्लीकेट वैक्सीन लगाई जा रही है? बिल्कुल लगाई जा रही है। ये जो है कि हम लोग जब कहते हैं कि आशा लोग जाइए गांव में, हम लोग गांव जाते हैं, हम लोग कोरोना नहीं है, हम लोग को भी तो कोरोना, हम लोग तो इंसान है भैया ना, क्यों नहीं आशाओं के कहना है कि जाइए कुंडी मत छूए, चेयर पर मत बैठिए, इन्हीं चार पाई पर मत बैठिए, 2 किलोमीटर की दूर पर रहिए। बताइए हम लोग जाएंगे तो भैया कहाँ जाएंगे, कितने दूर से बात करेंगे, हम लोग को कोरोना नहीं है। आपको क्या टास्क है, क्या ड्यूटी दिया गया गांव जाके? आप जाइए करा कि जो बाहर से आए हैं उनका सर्वे करिए, जो जो जिसकी तबीयत खराब है, जैसे सर्दी जुकाम यानी खांसी दस्त जो हो रहा है, इसका भी कह रहे हैं कि जाइए ड्यूटी करिए। जो बाहर से आए हैं वो लोग जो कि टीका लगवा कर आ रहे हैं कि तब भी कह रहे हैं कि जाइए। तो भैया अनेक प्रकार के जहाँ हम लोग नहीं मानते तो नहीं मानते भैया, ये सरकार का चरित्र जो है कि ना उन्हीं को अच्छा लगेगा भैया। अब क्या कह रहे हैं, ये यहाँ से कोरोना जो कि बंगाल में चला गया, चीन में चला गया, जो कि पाकिस्तान में चला गया, बताइए यहाँ के जो कि जहाँ मर नहीं रहा, कोई नहीं मर रहा, जो भैया यहाँ के देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि यहाँ भैया उनके कि अस्पताल भी बंद है, बंद होने के बावजूद भी यहाँ पिलकिछा गांव में 25 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है करीब एक महीने के अंदर। जी जी जी। तो कोरोना अगर आप नहीं मान रही हैं तो मौत कैसे हुई? अरे जो इसकी इलाज नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ हम लोग सदर में भी, हमारे गांव की बात है, सदर करड़ी के बस्ती में एक लड़की भी गई थी, उसका सर में दर्द हो रहा था, एक गई कि उसका किडनी निकाल लिया गया है, 3 तले कूपर निकाल लिया गया है, ये कौन सा सरकार नियम है कि उसको नहीं कह रहा है? हम लोग के सामने की बात है और बोले कि इसको पैक कर दीजिए, इसका कोरोना है, और उसको सारी किडनी निकाल करके वहाँ बेच दिए। तब अच्छा, उसकी किडनी निकाली गई थी तब वहाँ थी? मैं नहीं थी, हम लोग लाश देखे थे, जो लाश आई थी उसमें पूरा रुई से एकदम पैक था, बोले कि इसको हम नहीं देंगे। यहाँ के लोग बोले 35,000 रुपया वहाँ का डॉक्टर लिए थे तब जाके लाश दिए, यहाँ के जब जनता आए कि तब से लोग खोले देखे थे, यहाँ तो पैक हुआ था। आखिरी सवाल हमारा आपसे है। जी जी। जब आप कोरोना खुद नहीं मान रही हैं तो जी गांव में जाके कैसे ड्यूटी करती होंगी, कैसे लोगों के लिए? हम लोग क्या करें, मजबूरी है, अगर करें कि नहीं, जो 1,000-2,000 जो मिलता है कि अगर आप लोग नहीं देंगे तो आप लोग को पैसा भी दे दिया नहीं दिया जाएगा, यही समस्या है। गांव में जाके आप लोगों से बताती हैं कोरोना कुछ नहीं है? नहीं नहीं, कहते हैं कि भैया हम लोग जगह कि कोरोना आप लोग मानते, गांव वाले कहते अगर कोई आएगा तो उसको डंडा लेकर मारेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशा यादव। कहाँ, किस गांव में आप ड्यूटी है? लवान। रहने वाली आप यहीं कुटन की? नहीं नहीं नहीं, लवान की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो